ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिने अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अध्यक्ष महाराज तथा उपाध्यक्ष महाराज को मेरा साष्टांग प्रणाम। मंच पर उपस्थित आज की सभा के अध्यक्ष पूजनीय सुवीरानंद जी महाराज, जनरल सेक्रेटरी स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज, वेदानुरागानंद जी महाराज तथा मेरे सम्मुख बैठे सभी सन्यासी और ब्रह्मचर्य वृंद को मेरा प्रणाम तथा सभी ठाकुर माँ स्वामी जी के भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम भगवान श्री रामकृष्ण देव की जन्मतिथि यहाँ पे मना रहे हैं। उसमें भगवान श्री रामकृष्ण देव के उपदेश और उनका जीवन, इस विषय पर हम आज चिंतन कर रहे हैं। भगवान श्री रामकृष्ण का जीवन, उसका आगमन किस लिए था? हम लोग जानते हैं कि सनातन धर्म है, पहले से ही है, लेकिन क्या होता है कि जैसे काल बीतते जाता है हम लोगों की क्षमता भी कम हो जाती है और हम उस धर्म को समझ नहीं पाते। उस धर्म को सरल करने के लिए ही भगवान को बार बार आना पड़ता है। स काले नेह महता धर्मो नष्ट परंतप योगो नष्ट परंतप। गीता में भगवान कहते हैं कि बहुत काल बीतने के बाद धर्म नष्ट हो जाता है क्योंकि लोग उसके धारण नहीं कर सकते, इसलिए भगवान को मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आना पड़ता है और उसी सत्यों को हमारे सामने रखना पड़ता है। और इसलिए इस समय भगवान श्री रामकृष्ण देव का आगमन हुआ। उन्होंने हमें क्या सिखाया? वही जो सनातन धर्म में है, जो वेदों में है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आचरण कर हमारे सामने रखा है। जब कोई व्यक्ति आचरण करता है तो हमें समझने में सरल होता है और हम भी उनका अनुसरण करके कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि भगवान श्री रामकृष्ण वेद मूर्ति थे। चार अक्षर तेरे नाम के चतुर्वेद समान, धरा धाम पर राम कृष्ण तुम वेदमूर्ति भगवान। बिना पढ़े पूथी के अक्षर, रूप सजाया जैसे निरक्षर। धर्म ग्रंथ में शब्द है केवल, तेरा जीवन अर्थ समान। हमारे शास्त्र में तो हमें शब्द मिलते हैं लेकिन उसका अर्थ हमें भगवान के जीवन में खोजना पड़ता है, क्योंकि वो अपने जीवन में वो वेदों के जो तत्व है वो जीकर हमारे सामने रखते हैं और इसलिए हमें लगता है कि हम भी कर सकते हैं। और भगवान श्री रामकृष्ण ने जो इस समय धर्म को इतना सरल किया, इतना उदाहरण देकर, जो वैदिक धर्म है वो पूरे तत्व है, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन कहानी के माध्यम से, उपमा के माध्यम से और छोटे छोटे सहज भाषा में उन्होंने इतना सरल किया कि हम लोग भी अभी हिम्मत कर सकते हैं, साहस कर सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए धर्म उतनी कठिन बात नहीं है, क्योंकि पहले क्या था कि अगर आपको आध्यात्मिक होना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इस बार भगवान ने कुछ भी नहीं पढ़ा। वो कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुमको आध्यात्मिक होना है तो पांडित्य की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास डिग्री की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो जितनी परीक्षा पास करोगे उतने पास बढ़ जाएंगे, पास पास है। तो यही ठाकुर जी कहते थे। उन्होंने कुछ शास्त्र पढ़े नहीं, स्कूल में गए नहीं, ज़्यादा पढ़ाई की नहीं, जैसे निरक्षर जैसे दिखने के लिए दिखते थे, लेकिन उनका ज्ञान इतना था, उनके अंदर अध्यात्म इतना था कि वो जो वेदों में था उन्होंने अपने जीवन में दिखा दिया, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान थे, उन्होंने तो वेद निर्माण किए हैं, भगवान से तो वेद आए हैं। तो यही इसी कारण भगवान आए थे और उन्होंने अपने जीवन में आज तक किसी अवतार ने जो नहीं किया,
सभी धर्म की साधना किसी अवतार ने नहीं की। जैसे कि वेद कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो सत्य एक ही है, उनके नाम अलग अलग होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री रामकृष्ण जी ने सभी धर्मों की, सभी परम्परा संप्रदाय की, सभी मतों की साधना करके दिखा दिया कि आप कौन से भी रास्ते से गए तो आप भगवान तक जरूर पहुँचेंगे। यही भगवान श्री रामकृष्ण ने हमें दिखा दिया है। और दूसरा है, स्वामी जी कहते थे कि भगवान श्री रामकृष्ण इज लव पर्सोनिफाइड, वो प्रेम के घनीभूत मूर्ति है। वो ब्रह्मा को शरीर धारण करने की जरूरत क्या है। निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वही, भगवान को शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं, हो तो षडय शब्द संपन्न भगवान है। लेकिन हम लोगों का दुख देखकर, जब वो देखते हैं कि ये जो जीव है ये कैसे माया में बंध गए है, उनको माया से कैसे निकालना, उनकी माया से ही वो बांधते हैं, अविद्या रूपी माया से हमको संसार को बांधते हैं और विद्या रूपी माया से मुक्त करते हैं। तो यही भगवान हमें सिखाने के लिए आए थे कि हम उस माया से पार कैसे हो जाए। उनका जो प्यार था, जीवों के प्रति जो प्यार था, उसके लिए भगवान को आना पड़ा। और हम देखते हैं कि उनका कितना प्यार था, आए तो का कृपा सिंधु, उनका इतना प्यार था कि उनके लिए सब समान थे, किसी का भेदभाव नहीं करते थे, ये अच्छा है कि ये बुरा है। हम देखते हैं कि पहले के अवतारों में जो बुरे थे, जो राक्षस थे, उनका भगवान ने नाश कर दिया, विनाशाय च दुष्कृताम, और सज्जन का रक्षण किया। लेकिन इस समय जो राक्षस है उनको समाप्त करना मुश्किल है, क्योंकि राक्षस तो हम सबके मन के अंदर घुस गए हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया कि हमारे मन के जो राक्षस है उन राक्षसों को नष्ट करने के लिए भगवान आए। और वो राक्षस है संशय राक्षस। इस कलयुग में मनुष्य के मन में सदा संदेह रहता है। नरेंद्रनाथ के मन में भी संदेह था, उन्होंने सब कुछ पढ़ा था, इंडियन साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, उपनिषद सब पढ़ने के बाद भी संदेह था कि क्या वास्तव में भगवान का अस्तित्व है। तो यह जो हमारे मन में संदेह होता है, संशय होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशय आत्मा विनश्यति, मन में अगर श्रद्धा रहे तो हम भगवान को पा सकते हैं। लेकिन हमारे मन में अगर संदेह रहे, और इस कलयुग में लोगों के मन में संदेह ही रहते थे, नंदीनाथ के मन में भी संदेह था, लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण ने हमारे मन के सभी संदेह को दूर किया है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। मैं भगवान श्री रामकृष्ण को नमन करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे मन में जितने भी संशय राक्षस थे उनका पूरा नाश कर दिया। तो भगवान सज्जन दुर्जन सबके ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। सज्जन दुर्जन अनुग्रह कारण मायाधिशका नर रूप धारण। भगवान ने सज्जन और दुर्जन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए अवतार लिया है। गिरीश घोष जैसे भी उनके पास आए, उनके घर के लोग भी उनको प्यार नहीं करते थे, लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण के पास आकर उनका प्यार उन्हें मिला। और उनका प्यार मिलने के बाद हम देखते कि उनका जीवन कैसा बदल गया, गिरीश घोष एक संत हो गए। इसलिए तो भगवान आते हैं। अच्छे को अच्छा करना तो आसान है, लेकिन जो बुरा है, जो गलत रास्ते से गया है, उसको रास्ते पर लाने के लिए भगवान आते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते थे कि भगवान इस बार उन्हीं के लिए आए हैं। जब दक्षिणेश्वर में भगवान श्री रामकृष्ण देव की जयंती उत्सव मना जा रहा था, तब किसी ने लिखा था कि वहाँ पर सब चांडाल आते हैं, वेश्य आते हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि उनके लिए तो भगवान आए हैं, उन सबको आने दो। जो लोग नहीं आना चाहते हैं वो समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, वो नहीं आए तो अच्छा है। इसलिए भगवान का जो प्रेम है, वो बोलते कि यहाँ पे गृहस्थ लोग तो आ नहीं सकते, दिन भर उनको काम करना पड़ता है, इसलिए मैं उनके घर जाता हूँ। और भगवान श्री रामकृष्ण बार बार कलकत्ता में भक्तों के घर जाते थे, बलराम बाबू के घर 100 के ऊपर गए, और वहाँ से सब भक्तों को बुलाते थे और उनको धर्मोपदेश देते थे। इतना भक्तों के ऊपर भगवान का प्यार था, क्योंकि वो भक्तों का प्यार और जीवों का दुख, यही तो भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य कर देता है।
इसलिए हम देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र का जीवन जो है वो कैसा है, हमारे सामने वेदों की और प्रेम की घनीभूत मूर्ति है। उनका जो प्रेम है सबके ऊपर समान प्रेम है, उनका प्रेम तो है, उनको तो मालूम है कि हम उनके ही है, लेकिन क्या है, हम जीव है इसलिए हम भूल जाते हैं। भगवान कहते कि ये सब जीव मेरा ही अंश है, ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम भगवान के ही सनातन अंश है, लेकिन भगवान के साथ जो हमारा नाता है वो नाता हम भूल जाते हैं और इस संसार को ही अपना समझ लेते हैं कि जो संसार अपना नहीं है। चलो मन निज निकेतन है, स्वामी जी गाते थे कि अरे मन अपने घर चलो, संसार विदेश है विदेश रे भेषे ब्रह्म क्यानो अकारण है, संसार विदेश है लेकिन हमें संसार ही अपना घर लगता है और हम संसार के ऊपर आसक्त हो जाते हैं और जहाँ से हम आए हैं जो हमारे सच्चे माता पिता है उनको हम भूल जाते हैं। इसलिए भगवान तो भूल नहीं सकते, हम भूल सकते हैं लेकिन भगवान नहीं भूल सकते। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन तुमने और मैंने बहुत जन्म लिए, बहुने में व्यतीता ने जन्मानी तवजार्जुन तान्यहम वेद सर्वानी नत्तम व्यथ तरन परंतप, हम दोनों ने बहुत सारे जन्म लिए हैं लेकिन मुझे सब याद है क्योंकि मैं तो भगवान हूँ और तुम तो भूल गए हो, तुम समझते हो कि तुम पहली बार आए हो। तो भगवान को सब याद रहता है कि हम भगवान के साथ में कनेक्टेड है, हम भगवान की ही संतान है, लेकिन हम यहाँ इस दुनिया में आकर भगवान की माया के प्रभाव से इस जग को जो कि अनित्य है जो दुखमय है, अनित्यम असुखम लोकम ऐसा जो संसार है इसको हम सच्चा मानते हैं और आसक्त होकर यही बंधन में पड़ जाते हैं। यही हमारा बंधन तोड़ने के लिए प्रभु को बार बार आना पड़ता है और हमको इस बंधन से वो निकाल सकते हैं क्योंकि भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति होती है और उनके साथ में जो पार्षद आते हैं उनके जो आध्यात्मिक शक्ति होती है उस शक्ति के द्वारा जीवों का बंधन वो काट सकते हैं। खाली हमें भगवान को पहचानना होगा, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र बार बार कहते थे तुम आमार की समझो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में तुम क्या समझते हो। उनको पूछने की क्या जरूरत थी कि उनको हमने पहचाना कि नहीं। अगर कोई कहता कि आप भगवान के अवतार है तो वो बहुत आनंदित होते थे, उनको बार बार कहने की क्या जरूरत थी कि जो राम था जो कृष्ण था वही राम कृष्ण है, क्योंकि उनको बोलने की जरूरत थी कि जब तक हम उनके अवतारत्व को पहचानते नहीं है, जब तक हम उनको जानते नहीं है तब तक उनसे हम लाभ उठा नहीं सकते। अगर हम भगवान श्री रामचंद्र को जानते नहीं है तो हम उनके ऊपर भक्ति कैसे करेंगे, उनके उपदेश का आचरण कैसे करेंगे। तो पहले तो समझना है कि भगवान ने ही अवतार लिया है, और इस बार तो भगवान को पहचानना भी बहुत मुश्किल है, कोई बाहर का रूप नहीं दिखाते है, कोई चमत्कार नहीं करते है, इसलिए एकदम सरल और सिंपल, इसलिए भगवान को पहचानना मुश्किल है। लेकिन हम सारे जो भाग्यवान है जो भगवान श्री रामदेव के भक्त है उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है कि उन्होंने हमारे मन में विश्वास दिया है, हम लोग समझ पाए हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण अवतार है। स्वामी जी ने भी बार बार बोला है कि वही भगवान अभी रामकृष्ण रूप में आए है, तो ये विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है। कितने सारे लोग दक्षिणेश्वर में आते थे, भगवान के साथ में भी हाजरा था हृदय था लेकिन भगवान को समझ नहीं पाए, अवतार करके समझ नहीं पाए। भगवान के अवतार को समझना भी बहुत कठिन है, जब नहीं समझते लोग तो उनका अपमान करते, भगवान श्री रामदेव कितने लोग निंदा करते थे। भगवान भी कहते कि अवजानंति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुम आश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम, जब मैं मनुष्य देह में आता हूँ तो लोग मेरा अपमान करते हैं, वो मेरा भाव नहीं जान सकते कि मैं भूत महेश्वरम हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, वो नहीं पहचान के वो मेरा अपमान करते हैं, मुझे मनुष्य समझते हैं। ऐसा ही होता है जब भगवान आते हैं तो हम लोग उनको पहचान नहीं पाते। आज भी कितने लोग भगवान के अवतार को पहचान सकते हैं, लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण अवतार है, राम और कृष्ण अवतार है, लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण इस युग के युगावतार है, ऐसे आज भी कितने लोगों के मन में संदेह है। बंगाल में आए थे इसलिए बंगाल का भाग्य अच्छा है कि यहाँ पर उनकी सारी लीला हुई और बहुत कुछ सुनने को मिला, इसलिए बहुत लोग मानते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण
प्रभु का ही अवतार है, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं है, सब लोग नहीं विश्वास करते, सब लोग नहीं मान सकते। कहते कि बड़े संत थे, परमहंस थे, लेकिन अवतार कह के पुकारना समझना बहुत मुश्किल है। तो यही है भगवान श्री रामचंद्र के आगमन का कारण। और उनका उपदेश एकदम सिंपल है, उन्होंने तो वेद वाक्य हमारे लिए सिंपल कर दिए है कि पहला वो कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, बार बार वही कहते थे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर लाभ ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यही प्रश्न उन्होंने बंकिमचंद्र चटर्जी को भी पूछा था, मनुष्य जीवनेर उद्देश्य की, उन्हें बोले खावा दावा और मजा करा। उन्हें बोले तुम्हें तो पंडित की रकम तुम्हें कथा बोल चो, तुम्हें रात दिन जे चिंतन करते सीटा तुम्हारे मुख थे के बेरिया अच्छे। मैंने बंकिमचंद्र चटर्जी अतो बड़ो पंडित, इतने बड़े पंडित थे, लेकिन वो भी कहते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य खाना पीना और मजा करना। हम समझ नहीं सकते कि ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। शंकराचार्य भी कहते हैं कि ये तीन चीज़ें हमको मिलना बहुत मुश्किल है। दुर्लभम त्रयमेव वैतद देवानुग्रह हेतु काम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। पहली गोष्ट, मनुष्य जन्म प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, और हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, और मुक्त होने की इच्छा कि हमें इस माया के बंधन के पार जाना है, और महापुरुष का संग, ये तीन चीज़ें मिलना बहुत ही कठिन है, भगवान की कृपा से ही मिलती है। लेकिन लोगों को यही मालूम नहीं था हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान लाभ करना, आत्म साक्षात्कार करना, अपने को जान लेना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन ये हमारे जीवन का उद्देश्य हम भूल ही गए थे, हम ये उद्देश्य कभी मानते ही नहीं थे। हमको लगता था कि भगवान के में ज़रूरत ही क्या है। और आज जैसा जैसा विज्ञान आगे बढ़ते जा रहा है, तो लोगों को रहता है कि विज्ञान सब कुछ दे रहा है, अब हमें भगवान की ज़रूरत क्या है। लेकिन भगवान की ज़रूरत है। इस दुनिया में हमें कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम जो सच्चा सुख है, जो आनंद है, वो नहीं पा सकते। क्योंकि ये सब तो हमारे अंदर ही है, हमें बाहर कहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भगवान श्री रामदेव बार बार कहते थे कि हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ करना, यही है, इसको कभी नहीं भूलना। बाकी तुम सब कुछ करो, लेकिन जीवन का उद्देश्य जो हमारे शास्त्र ने बताया है, परम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये मोक्ष को कभी नहीं भूलना। मोक्ष को नज़र के सामने रख के बाकी जो कुछ भी करना है संसार में करो, लेकिन ध्येय तुम्हारा वही रखो कि ईश्वर लाभ करना है। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, भक्त बार बार पूछते थे कि हमारा तो गृहस्थ, हमारा की करवो, हमारे जन कि उपाय अच्छे कि ना। देखो ठाकुर बोले छे, हाँ तुम्हारे लिए भी उपाय है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ होने से भगवान लाभ नहीं कर सकता। तुम लोगों के लिए बाहर का त्याग नहीं, तुम लोगों के लिए मन का त्याग है। तुम लोग संसार में रहो, मैंने भी तो शादी की है, मैं भी तो गृहस्थ हूँ। क्योंकि पहले तो गृहस्थ लोग ही बड़े बड़े ऋषि थे, माने गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम आध्यात्मिक हो सकते हैं। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने शादी की एक आदर्श दिखाया कि गृहस्थ होने से भी हम भगवान का लाभ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का लाभ नहीं कर सकते, लेकिन गृहस्थ होकर कैसे जीना है, अगर भगवान लाभ करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ठाकुर बार बार कहते कि साधन भजन करना चाहिए। हम तो बहुत बार दीक्षा लेते हैं, लेकिन साधन करने की इच्छा हमारे मन में नहीं होती है। ठाकुर कितने बार कहते थे, डूब 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 रूप सागरे अमार मन, मेरे मन अंदर डूब दो, ऊपर ऊपर तैरने से भगवान लाभ नहीं होगा, तुमको अंदर डूब देना पड़ेगा। माने साधन भजन करो, जप ध्यान प्रार्थना करो, भगवान से व्याकुल होकर रोते रोते प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा एक दिन निकल गया। देखिए भगवान श्री रामचंद्र कैसे प्रार्थना करते थे, कितने व्याकुल होते थे, माँ आज का दिन तो चला गया लेकिन तेरा दर्शन नहीं हुआ। हम साधन भजन तो करते हैं, लेकिन उसमें व्याकुलता नहीं होती, उसमें प्रेम नहीं होता है। एक बार बलराम बोस ठाकुर जी को कहते हैं कि मैं इतना साधन भजन करता हूँ, भगवान को बुलाता हूँ, लेकिन अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ।
तब ठाकुर ने कहा कि तुम तुम्हारे बेटे के ऊपर जितना प्यार करते हो क्या उतना प्यार भगवान से करते हो? तब बलराम बोस कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि हम संसार के ऊपर जितना प्यार करते हैं उतना प्यार हम भगवान के ऊपर नहीं कर सकते। इसलिए सिंपल रास्ता क्या है, अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के ऊपर हमारी भक्ति है, तो ये संसार धीरे धीरे हमारे मन से निकल जाएगा। हमें जोर करके कुछ छोड़ना नहीं होगा। भगवान कहते थे कि संसार में रहो लेकिन संसार में आसक्त मत होना, दासी के जैसे संसार में रहना, कि ये संसार तो प्रभु का है, हमारा नहीं है। हमें जो कुछ भी काम दिया हम करेंगे, भगवान ही करता है, वही करते हैं, वही चलाते हैं। लेकिन हम कहते कि मैं कर रहा हूँ, ये जो काचा आमी करची, दिस इज द बॉन्डेज, वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस, इट इज नॉट आई बट दाऊ। भगवान तुम ही कर रहे हो, तुम्हारा ही काम है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। इसलिए धीरे धीरे जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो संसार की आसक्ति दूर हो जाती है। कभी कभी संसार की आसक्ति छूटती नहीं है। हम साधन भजन बहुत करते हैं लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? ठाकुर जी की एक कहानी है। एक बार तीन शराबी नदी में नौका में बैठ गए और रात हो गई, बस दारू पी ली और नौका चलाने लगे, और नौका चलाते चलाते सुबह हो गई और उन्होंने देखा कि वो जहाँ पर थे वहीं पर थे, नौका एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि वो नांगर उठाना था वही उठाया नहीं, और नौका को बांध कर ही रख दिया। भाई कितना भी आगे चलाने से नौका कैसे जाएगी? वैसे ही हम हमारा मन संसार को बांध को रख देते हैं। अभी संसार को मन को बांध के रख देंगे और साधन भजन भी करेंगे तो भगवान लाभ कैसा होगा, हमारी नौका आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए संसार के प्रति आसक्ति कम होनी चाहिए। संसार में तो रहना है लेकिन संसार में आसक्त नहीं होना, को किसी चीज़ को मेरा और मैं और मेरा नहीं कहना, ये सभी भगवान का है, वही सब करते हैं। तो ठाकुर बोले छे विषय विराग ईश्वरे अनुराग, ओटाई वच्चे वैराग्य। वैराग्य माने शुद्ध वैराग्य होले विषय विराग होले होबे ना। विषय से विराग है लेकिन अगर भगवान में अनुराग नहीं है तो फायदा क्या है? कितने लोग रहते हैं, कितने लोग ब्रह्मचारी रहते हैं, कितने लोग बैचलर रहते हैं, लेकिन मीराबाई क्या कहते हैं, बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला। अगर भगवान के ऊपर भक्ति नहीं है तो वैराग्य कितना भी होने से कुछ लाभ नहीं है। तो वैराग्य तो चाहिए, अनासक्ति चाहिए, लेकिन भगवान के ऊपर प्रेम भी चाहिए। जब ऐसा हमारे जीवन में होगा तब हमारी नौका आगे बढ़ेगी। और ठाकुर जी ने दिखा दिया कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए। हमारे वेद भी कहते हैं सत्यमेव जयते, छोटी छोटी बात में हमें झूठा नहीं बोलना चाहिए। भगवान श्री राम ने दिखा दिया कि सत्य का आचरण करना, सत्य वचन, यही कलयुग की तपस्या है। जो सत्य का पालन करता है वो तो भगवान की गोद में बैठा है। सत्यमेव जयते, सत्यम वद धर्मम चर, हमारे शास्त्र कहते कि सत्य का ही जय होता है। और भगवान ने यहाँ सत्य का आचरण करके दिखाया, कभी भी उनके मुख से एक शब्द भी झूठा नहीं आया। एक बार राखाल महाराज को कहते कि राखाल तुम्हारे चेहरे में मैं दाग दिख रहा हूँ, क्या हुआ, तुमने कुछ झूठा बोला क्या? राखाल महाराज बोले नहीं मैंने तो झूठ नहीं बोला, लेकिन मजाक मजाक में मैंने झूठ बोल दिया। तब ठाकुर कहते हैं कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, सत्य के उपासक, इसलिए सत्य से हमको कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, तड़जोड़ नहीं करना है, सत्य का आचरण करना है। जितना होगा उतना करना ही है। अगर एक बार हमें झूठा बोलने की आदत हो गई तो हम छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं, और वह झूठ बोलते हैं तो कोई हमारे शब्द के ऊपर विश्वास नहीं रखता। ठाकुर जी झूठ कभी पसंद नहीं करते थे, अहंकार कभी पसंद नहीं करते थे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे वेद भी कहते कि सत्य का आचरण करना चाहिए। सत्य का आचरण करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, तपस्या करने से ईश्वर लाभ हो सकता है। इसलिए ठाकुर जी ने दिखा दिया कि किस प्रकार सत्य का आचरण करना है। कभी भी उनको झूठ पसंद नहीं होता था, उन्होंने सत्य का आचरण किया। मैंने बोला कि माँ को मैंने सब कुछ दे दिया लेकिन सत्य माँ को नहीं दिया। माँ को नहीं बोला कि माँ ये ले तेरा सत्य, दे ले तेरा असत्य, क्योंकि अगर सत्य दे दूंगा तो मैं ये बाकी का कैसे आचरण करूँगा।
इसलिए भगवान सत्य स्वरूप है, उनका स्वरूप ही सत्य है। सत्य का आचरण करना यही हमारा धर्म है। सत्य समर्पित होगा जीवन, सत्य करेगा हमारा रक्षण। सत्य से नहीं कोई बढ़कर, सत्य मार्ग पर चले निरंतर। तो हम सब लोग सत्य मार्ग पर चलेंगे तो सत्य ही हमारा रक्षण करेगा, क्योंकि ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। इसलिए ठाकुर जी ने सत्य का आचरण करके हमारे सामने एक आदर्श दिखाया कि किस प्रकार सत्य का हमें जीवन में अनुसरण करना चाहिए। और बाद में ठाकुर कहते हैं कि ये जो सब जीव है इनके अंदर तो भगवान ही है। क्या चोक बंद के लिए कि भगवान आछे और चोक खुले कि भगवान नहीं? माने आँख बंद करने से ही खाली भगवान है और आँख खोलने से क्या भगवान नहीं है? भगवान तो सब में है। जब काशीपुर में वैकुंठनाथ सन्याल को जब एक्सपीरियंस हुआ, वैकुंठनाथ सन्याल देखता है कि सभी तरफ ठाकुर है, पेड़ में है, आकाश में, सब तरफ ठाकुर ही ठाकुर है। ठाकुर सेवा कुछ भी नहीं था। यही है विश्वरूप दर्शन, यही है अद्वैता। निरंजनम नित्यम अनंत रूपम, वो तो अनंत रूप में है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। ठाकुर जी ने यही रास्ता हमारे लिए आसान कर दिया है कि भगवान में तो मंदिर में तो भगवान की पूजा करनी है। अथमाम सर्वेशु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयं अर्चये दानमानाभ्याम मैत्रेय अभिन्नन चक्षुषा। भागवत में कपिल देव कहते हैं उनके माँ को कि मैंने ही सब शरीर में मंदिर बनाया है, वहीं पे मेरा दान और मान करके पूजा करो। तो भगवान श्री रामचंद्र भी वही कहते हैं कि भगवान सबके अंदर है, इसलिए भगवान की पूजा करो। और स्वामी जी ने वही तत्व लिया। ओ सखार प्रति कविता ते की बोलचे, बहु रूपे सम्मुखे तुम्हार छाड़ा कोथा खुजी तो ईश्वर, जीवे प्रेम करे जई जन सेई जन सेवी से ईश्वर। स्वामी जी ये कविता ते लिखे चे कि बहु रूपे सम्मुखे तुम्हार छाड़ा कोथा है खुजी तो ईश्वर, ईश्वर को तुम जो कोथा है खोजो, तो भगवान तो आपके सामने है, बहु रूप में है, उनकी ही सेवा करो। मनुष्य में भगवान के भगवान को देखना सीखो, और खाली देखने से नहीं होगा, उनकी सेवा भी करो, वही भगवान की पूजा है। यही मंत्र स्वामी जी ने ठाकुर जी से लिया है और उसी मंत्र का सारी दुनिया में प्रचार किया है, शिव भावे जीव सेवा, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल वेदांत। तो यही ठाकुर का संक्षिप्त जीवन है। और कुछ उनके जो महत्वपूर्ण उपदेश थे, जो चार पांच उपदेश, वही मैंने आपके सामने रखा है। अभी समय मेरा समाप्त हो गया, यहीं पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।